जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो अभी सुबह का वक्त है, मैंने अपने लिए बनाई है ये ब्लैक कॉफ़ी। और अभी ये जो रात की रोटी या डबल रोटी बची थी वो मैं प्लेट में ऐसे तोड़ रही हूँ ताकि मैं बाहर चिड़ियों और जो गुलहरियाँ आती हैं हमारे घर की उनको जो है मैं डाल दूँ। तो अभी भी दिन माशाल्लाह से शुरू हमने किया है, बच्चों का स्कूल से छुट्टी है तो इसलिए थोड़ा लेट उठे थे। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी तकरीबन 8:20 हुए हैं, बल्कि 8:15 ही हैं। और ये है सूरत हाल, इनके कॉन्फ्रेंस डेज चल रहे हैं आजकल, तो इस सिलसिले में टीचर्स ने जो है इनको ऑफ दिया हुआ है। तो अब मैं ये जो है अपने परिंदों को डालती हूँ बाहर। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रोज़ाना सुबह, क्योंकि इस तरीके से रिस्क भी ज़ाया नहीं होता है, अल्लाह ना करे, और बरकत भी होती है। मौसम भी आपको दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई ठंड हो रही है, देखो चिड़िया बोल रही है, सुने जरा। वॉक कर रहा है एक आदमी अपने कुत्ते के साथ। ये है मौसम, हवा काफी ठंडी है इस वक्त। अंडा मैंने घोल के रख लिया है यहाँ पे। अब मैंने अपना निकाला है ये मिनी ग्रिडल, माय मिनी ग्रिडल, ये 1 serving है। ये देखें नॉस्टैल्जिया का, ये बहुत ही अच्छा है अगर थोड़े क्वांटिटी में बनाना है, और इसमें तेल भी नहीं डालना पड़ता है, बिल्कुल हल्का सा हम इसको ग्रीस करेंगे। ये मैंने बिल्कुल नया लिया है, जस्ट 1 time यूज़ किया है, और आज ये निकाल देंगे। ये ऐसे होता है छोटा सा, ये मिनी ग्रिडल, ये वो है नॉन स्टिक है सारा। ये इतना सा तेल है सिर्फ, इसको लगा के ऐसे। इसी के अंदर ही मेरा जो मैंने 1 अंडे का ऑमलेट बना रही हूँ ये बनेगा। ये देखिए इसके अंदर कोई सख्त चीज़ नहीं लगाते, ये बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई है मुझे, मैं तो बहुत ही खुश हूँ इसको देखकर। अब मैं इसको बंद करके प्लग में लगा देती हूँ, और जब ये दिखाती हूँ मैं आपको, जब ये इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी इसका मतलब है कि अब ये रेडी है, अब हमने इसमें अंडा डालना है। सो ये लाइट बंद हो गई, इट मीन्स इट्स रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा डाल दिए, इसको बंद कर देंगे। ये आपके 2 छोटे-छोटे से ऑमलेट बन जाएंगे, और आप जब खाएंगे आपको लगेगा बहुत सारा खा लिया, और तेल भी बिल्कुल नहीं है। जब ये रेडी हो जाएगा तो इसकी लाइट जो है वो टर्न ऑन हो जाएगी। सो इट नीड्स मोर टाइम। अभी अभी इसको और ढकेंगे ताकि थोड़ा और पक जाए। ये रेडी हो गया इस तरफ से भी, बहुत ही नाजुक किस्म का अंडा है। ये लगता है जैसे छोटे छोटे से पैनकेक्स हैं। और अब दूसरा लाइक दिस, हियर यू गो। मेरा अंडा नहीं, मुर्गी का अंडा, लेकिन ये बहुत ही मजेदार है और इतने फिलिंग है। ये सिर्फ 1 अंडा है, 1 अंडा आप इस तरीके से चूल्हे पे नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। इसमें मैंने कितना डाला है तेल, आप लोगों ने सबने देखा है। ये देखें,
क्योंकि वजन कम करने में मेन चीज होती है ऑयल को कट करना, चिकनाई को, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हम लोग फैट्स खाते हैं उसी को हम कट करें। बाकी प्रोटीन ले रहे हैं हम, वेजिटेबल्स ले रहे हैं जिसमें मिनरल्स हैं, विटामिंस हैं, और कोई भी चीज बर्न नहीं हो रही है, सब अपनी सही हालत में। टेक्निक टेक्निक बना रही हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग सर्दियों में यहाँ ना बकरे की ये जो जोड़ होते हैं हड्डियों के, ये बहुत शौक से हम लोग बनाते हैं इसकी, क्योंकि इसमें इतनी ताकत और गर्माइश होती है। यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं और सारा कुछ, तो इससे ये कि हड्डियों की तकलीफ बहुत हद तक इंसान की अल्लाह ताला जो है ना शिफा दे देते हैं, कम हो जाती है। इसके अंदर जो गूदा होता है, जो मिक होती है, ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये सारी अभी सालन में निकल आएगी पकते पकते, और फिर वो इतना कि ये कोई लजीज सालन बनता है। इसके साथ मैं डालूंगी गोश्त, और ये मैं सालन आज बना रही हूँ, और कल मैंने आलू गोभी बनाया था उसका भी सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो बच्चे तो इसका शोरबा खाएंगे और मैं शायद गोभी खा लूँ, क्योंकि ज़ाया तो करनी नहीं है, थोड़ी सी बची होगी, या क्योंकि मैं डाइट पे हूँ तो थोड़ा थोड़ा कुछ भी खा सकती हूँ। खैर, छोटे साइज़ की एक रोटी के साथ खाना बना लें, खाना बनाने के बाद और उसके बाद मुझे मार्केट जाना है। आप मेरे साथ साथ रहिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और वीडियो को आखिर तक देखा करें। ओके तो हम लोग मार्केट आए हैं, बात की तो अपनी बहनों के साथ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे रोको बेटा, मैं लीमू ले लूँ, साइड पे रोक दीजिए। और ये लेने मुझे तो मुझे ज़्यादा नहीं लेने, मैं थोड़े से लूँगी, मेरे ख्याल में तीन बहुत है, तीन, चलो चार ले देते बस। ये पीले वाले नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए थे, इसको लाइम बोलते हैं, ये लेमन होते हैं। खैर, मैं इनको डोनट दिला दूँ, क्योंकि मैं तो मीठा बिल्कुल नहीं खा रही, तो बच्चों के लिए ले लेती हूँ। इसमें डालिए, इसमें डालिए अपना डोनट। शाबाश अलीशा, आपने अपना ले लिया बेटा, चलो इसको ट्रैश में डाल दो। मामा मुझे बस एक और। अच्छा, ये लास्ट वाला। ओके, डालो अपने बैग में, डालो बैग का है आपका। चलो बैकर्स, वो जो फुटबॉल वाले क्या है, बास्केटबॉल वाले, वेट, वो ग्रीन बे वाले जो हैं हमारे बेटा, वो उसका सीजन होगा ना, जब मैच होगा तब आएंगी ना उनकी फुटीज। अच्छा, यहाँ पे शहद पड़े हुए, मैं शहद ले लूँ। ये बकवीट, अल्फा अल्फा, वाइल्ड हनी, ऑरेंज ब्लॉसम, ये ऑर्गेनिक हनी है, ये ले लेते हैं, $5 का है ये, $4.50। हाँ वही, चल हवा है बेटा बाहर, हबीबा अपने जैकेट पहन कर आइए बेटा। हाँ जी, आप जैकेट पहने वरना बुखार हो जाएगा। अलीशा भाई का ख्याल करो बेटा, जल्दी जल्दी चल ठंडे पैर। अपना फ्रिस्बी ले जाओ ना अंदर से, गिव मी दैट, जाइए फ्रिस्बी लेकर आइए। ये ओ यही पे खेलो अलीशा, ज्यादा दूर नहीं जाना बेटा, सनद लोगों के घर नहीं फेंकना, इधर आइए आगे। ये स्कूल में भी खेलते रहते हैं ना, इस वक्त तो इनको सर्दी नहीं महसूस होती, मगर मौसम अच्छा है वैसे आज। के लिए मैं रोल बना रही हूँ, उन्होंने कहा है कि मामा रोल बना कर दें। यहाँ सालन बन रहा है, और ये देखें, ये भी, ये मैं बना रही हूँ वेजिटेबल वाले चिकन, और वेजिटेबल चाइनीज़ मैंने बनाए थे वो हैं, और ये जो मैंने बनाए हैं ये अलीशा के लिए, वो सब्जियों वाले नहीं खाती, उसके लिए सिर्फ आलू के बनाए हैं। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको सालन की सूरत हाल क्या है, ये देखें तो ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब इसमें धनिया वगैरह डालूँगी। तब तक
तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।